उड़ीसा में क्या क्या खाए जो अच्छा लगा थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे डालमा के बारे में हाँ तो मैंने खाया डाल खूब खाया और अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और मैं तो वैसे भी क्योंकि पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है हुँ. तो एक जो अपने से वादा किया हुआ है वो ये है कि जिस जगह जाओगे जिस स्टेट में जाओगे वहीं का खाओगे अब यदि मैं यहाँ पे भी आके हर की दाल और रोटी ढूंढूंगा या चावल ढूंढूंगा तो वो मेरी गलती है क्योंकि मुझे मौका मिला है एट द एंड ऑफ द डे आपको दो चीज़ मिलती है एक अच्छा खाना एक सेटिस्फेक्शन बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है जो काम आप कर रहे हैं देश की युवाएं के लिए आपके आपका क्या कहना है क्योंकि जब आपके अंदर ये आइडिया आया था गूंज का शुरुआत हुआ था यू वेर यंग परिवर्तन युवा ही ला सकते हैं आप सोचते हैं मैं तो अभी भी यंग ही मानता हूँ नहीं तो, अभी भी है आहा, exactly. आहा। <laughs> आहा। देखिये मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा सेटिस्फैक्शन मिलता है सेटिस्फैक्शन मिलता है बट उसके साथ में आ, बहुत आप भार लेके भी सोते हो तुम्हारे पे क्योंकि आ, पावर्टी को देखना डिस्ट्रेस को देखना उस जगह पे जाना आ, आप आके कुछ जो बातें हुई हैं कुछ जो जस्चर्स मिले हैं उस पर आप खुश हो सकते हो बट आप बहुत एक्सट्रीम रियलिटीज देख के आते हो तो इट पुट्स ए लॉट ऑफ प्रेशर ऐसा नहीं कि ये प्रेशर नहीं डालता बट हाँ आपको इस बात का सेटिसफेक्शन रहता है कि कल जब आप उठोगे सुबह तो फिर आपके पास कुछ करने के लिए है खाली हाथ पे हाथ रखने के लिए नहीं है तो मैं यूथ से या इस देश के लोगों से यही कहता हूँ कि ये हम लोग अभी उस स्टेज में हैं जहां पर इमीडिएटली बहुत सारे थिंकर्स की जरूरत नहीं है डूअर्स की जरूरत है एक्शन की जरूरत है फेसबुक पर विचारक बनना सबसे आसान काम है ट्विटर पर ट्विटर पर कॉमेंट करना बहुत सबसे आसान काम है लेकिन उसमें उस पर एक्शन लेना आपको क्रिटिसाइज करने से मतलब नहीं है ना हम भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया सरकार ने ये नहीं किया इसने नहीं किया बट बट कब तक भाई ठीक है जिसने जो किया जिसने जो नहीं किया बहुतों ने बहुत कुछ किया अभी ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कुछ नहीं कर रहा है जो गैप है आप उसको फिल करते चले जाओ बस तो यूथ के लिए मुझे लगता है कि यदि एक अच्छे खूबसूरत देश में रहना है तो नेगेटिव थाट्स से हट के यू नो जो जो भी नेगेटिविटी है उससे बिल्कुल हट के एक पॉजिटिव स्टेप ले यदि हम 67 कपड़ों से जब हमने शुरू किया था और यदि हम लोगों की यही सुनते रहते कि कोई ढंग का काम करो तो हम शायद नेक्स्ट स्टेप ना ले पाते बट हम हमें लगा कि हम इसी को ढंग का बना के देखते हैं तो एक्शन बहुत ज़रूरी है इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता हर आइडिया हर काम छोटे से ही शुरू होता है यदि आप उसे छोटा कहते हैं और आप यदि उस पर शिद्दत से लगे रहेंगे मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो ग्रो करेगा मैं सोचता हूँ कि बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनका कोई ड्रीम होता है और उससे भी ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जो अपने ड्रीम पे काम करते हैं और मैं कहता हूँ सबसे किस्मत वाले होते हैं जिनका ड्रीम एक सही डायरेक्शन में होता है तो माना आज मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस बात का सेटिसफेक्शन है कि मेरा ड्रीम सही डायरेक्शन में है ड्रीम पूरा नहीं होगा मुझे मालूम है क्योंकि रोज़ ड्रीम बड़ा हो जाता है बट एटलीस्ट वो एक सही डायरेक्शन में है और वो हर एक इस देश का यूथ कर सकता है और लास्ट पॉइंट इसमें मैं यूथ को ये बोलता हूँ कि आप जब पढ़ लेते कहीं से आपने इंजीनियरिंग कर ली तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर का जॉब करेंगे ये जो किसमें? आपको सुकून देता है आपको यदि म्यूजिक में मज़ा आता है तो आप म्यूजिक में बनाइए अपना करियर क्यों ठीक है आप इंजीनियर पढ़ लिख लिए अच्छा है पढ़ा लिखा होना तो बहुत अच्छी बात है उसमें क्या बना